अच्छा हो। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए, और ये डिवाइड कर दीजिए। ओके, ये एक्स क्यूब बाय कितना, इस द्वारा एक्स क्यूब बाय कितना रूट एक्स प्लस थ्री एक्स बाय कितना रूट एक्स फोर बाय कितना रूट एक्स। ओके, एक्स क्यूब बाय रूट एक्स प्लस थ्री एक्स बाय रूट एक्स प्लस फोर बाय रूट एक्स। आज संडे था रे, संडे थोड़ा ये था, कम कोई बात नहीं। ये एक्स का पावर ये थ्री होता है और ये एक्स का पावर वन बाय टू होता है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, ये एक्स का पावर वन बाय टू है, ये एक्स का पावर थ्री है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये थ्री है, एक्स का पावर हाफ ऊपर चला जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। और ये सॉरी सॉरी, यहाँ थोड़ा गलती हो गया, कट जाएगा ये रूट एक्स, और एक्स काटने से रूट एक्स होता है। ओके, तो ये एक्स का पावर हाफ ये एक्स हो जाएगा प्लस फोर, ये एक्स का पावर हाफ ऊपर चला जाएगा, एक्स का पावर माइनस हाफ डी एक्स हो जाएगा। ओके ओके, ये द्वारा ये कट गया, ये बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये एक्स का पावर हाफ डी एक्स हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, एक्स का पावर माइनस हाफ डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका इंटीग्रेशन बना दीजिए। अभी इंटीग्रेशन एक्स टू द एन का फॉर्मूला डालिए। ये थ्री बाय ये कितना आ रहा है बच्चों, सिक्स माइनस वन फाइव बाय टू आता है, तो फॉर्मूला डालिए प्लस वन बाय कितना प्लस वन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द एन फॉर्मूला पता है तो एक्स टू द एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। नेक्स्ट देखिए, प्लस थ्री ये एक्स का पावर हाफ प्लस वन डिवाइड बाय हाफ प्लस वन, ये फोर ये एक्स का पावर माइनस हाफ प्लस वन बाय माइनस हाफ प्लस वन। ओके, देन ये बच्चों कितना बन रहा है, एक्स का पावर कितना बन रहा है सेवन बाय टू, ये भी सेवन बाय टू, तो उल्टा हो जाएगा प्लस ये थ्री है, ये बच्चों कितना बन रहा है थ्री बाय टू, ये थ्री है, ये ऐड करोगे थ्री बाय टू उल्टा का हो जाएगा टू बाय थ्री इंटू एक्स का पावर थ्री बाय टू, ये हाफ आएगा, ये उल्टा हो जाएगा हाफ टू बाय वन ये, और एक्स का पावर हाफ को रूट लिख सकते हो। ओके, देन ये थ्री काट दीजिए, ये टू बाय सेवन का पावर एक्स का पावर सेवन बाय टू, टू एक्स का पावर थ्री बाय टू प्लस एट रूट एक्स प्लस सी। कहाँ कुछ समझ नहीं पाया, कहाँ कौन नहीं समझ पाया किधर, ये हाफ जो एक्स का पावर हाफ रूट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं बोल रहा था ऊपर का डिग्री ज्यादा हो और नीचे का डिग्री कम हो तो डिवाइड होता है, डिवाइड होके कोसाइन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर होके ये इंटीग्रेशन होता है। ओके, इसको डिवाइड करके ऐसे कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर फैक्टराइज हो सकता है, ये यहाँ पर ऊपर में एक्स, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस वन, इन दोनों में प्लस वन कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस वन, नहीं तो डिवाइड करके भी कर सकते हैं। ऊपर का डिग्री ज़्यादा होता है और नीचे का डिग्री कम होता है, ज़्यादा और इक्वल होता है तो डिवाइड होता है, ये पढ़ाया गया था। ओके, और ये इफेक्ट फिर पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ाएंगे फिर। ओके, एक्स माइनस वन कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में
एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स माइनस वन, यहाँ पर प्लस वन कॉमन लिया, फिर एक्स माइनस वन कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन ओके डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, ये और ये कट जाएगा ओके okay. नहीं तो इसे डिवाइड करके कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर करके भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर जो है रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, जब डिवाइड करोगे ना वही बनेगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बनेगा और रिमाइंडर जीरो यहाँ पर आएगा, देन ये तुम्हारा इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन ओके, देन इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई थ्री और इसका इंटीग्रेशन एक्स होता है प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 देखिए, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई करोगे एक्स का पावर हाफ बनेगा और ये रूट एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स का पावर हाफ ओके माइनस, ये तुम्हारा क्या होगा, ये इसका पावर वन है, इसका पावर वन बाय टू है, जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स का पावर ये वन है इंटू ये एक्स का पावर वन बाय रूट एक्स को एक्स पावर वन बाय टू है, तो बेस सेम होता है तो इंटू में क्या होता है पावर ऐड हो जाता है, वन प्लस हाफ, वन प्लस हाफ दैट इज कितना होता है थ्री बाय टू ओके, तो जब ये रूट एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेगा करोगे ये एक्स का पावर थ्री बाय टू होगा, इसका पावर वन है और इसका पावर हाफ है तो इंटू में क्या होता है पावर ऐड हो जाएगा, वन प्लस हाफ थ्री बाय टू होता है, इसका भी इंटीग्रेशन होता है ओके और इसका भी इंटीग्रेशन होता है, यानी इंटीग्रेशन एक्स टू द एन का फॉर्मूला डालिए, हाफ प्लस वन बाय नीचे भी हाफ प्लस वन, इसका भी इंटीग्रेशन तो देखो इसका भी प्लस वन बाय इसका ही प्लस वन, यानी ये तुम्हारा क्या बनता है एक्स का पावर थ्री बाय टू, ये भी थ्री बाय टू बनेगा, ये टू बाय थ्री आ जाएगा, ये भी एक्स का पावर ये फाइव बाय टू बनता है ओके okay, ये भी फाइव बाई टू है तो उल्टा के ये टू बाई फाइव हो जाएगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 सेम है ओके okay. देखिए 15 ये एक्स का पावर हाफ है और ये एक्स का पावर हाफ है रूट एक्स और ये एक्स का स्क्वायर है ओके okay, जब मल्टीप्लाई करोगे ऐड हो जाएगा टू प्लस हाफ फाइव, फाइव बाई टू होता है पावर ये ऐड हो जाता है ओके टू टू जब फाइव ये एक्स इंटू कर दीजिए थ्री एक्स का पावर कितना फाइव बाई टू ओके प्लस टू ये हाफ एक्स का पावर हाफ ये एक्स का पावर वन, वन प्लस हाफ होता है तुम्हारा थ्री बाई टू ओके और ये थ्री रूट एक्स जो है आपका एक्स का पावर हाफ होता है ठीक है, चलिए तुम्हारा देखिए कॉन्स्टेंट बाहर रहता है इसका इंटीग्रेशन जो है ये फाइव बाई टू प्लस वन, फाइव बाई टू प्लस वन देन तुम्हारा ये टू बाहर रहेगा एक्स का पावर थ्री बाय टू प्लस वन, ये थ्री बाय टू प्लस वन ये एक्स का पावर हाफ प्लस वन, ये हाफ प्लस वन ठीक है, ये बच्चों बनता है कितना सेवन बाय टू उल्टा के टू बाय सेवन, ये सेवन बाय टू बनता है ओके ये टू आएगा ये फाइव बाय टू आएगा ये टू बाय फाइव बन जाएगा, ये फाइव बाय टू आएगा टू बाय फाइव बन जाएगा, ये एक्स का पावर फाइव बाय टू, ये थ्री आए यहाँ पर एक्स का पावर ये थ्री बाय टू आएगा ये टू बाय थ्री हो जाएगा ओके
बन रहा है तुम्हारा 6/7 एक्स का पावर 7/2, ये 4/5, ये 3/3 कर जाएगा 2x^3/2 प्लस, ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये क्या दिया क्वेश्चन, ये 2 बार आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, -3 बार आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये इंटीग्रेशन ऑफ e टू द x dx कांस्टेंट बाहर आ जाता है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन है x^2, इसका इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x, इंटीग्रेशन e टू द x प्लस c, ओके, और ये 2 और ये 2 कट जाता है, x^-3 sin x प्लस e^x प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, ओके 17 देखिए, ये 2 बार आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x^dx आएगा, -3 बार आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होगा, मतलब 5 बार आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x^2 dx होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन x^2 क्या होता है, x^3/3 प्लस c, x^(n+1)/(n+1) प्लस c, लास्ट में एक ही लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ये 1/2 + 1 मीन्स x^3/2 होगा, और नीचे भी 3/2 उल्टा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके ये हमारा आंसर है, बहुत सारे मल्टीप्लाई करना है, 10/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन, n2 कर दीजिए, ये sec^2x, ये sec x into tan x, ये इसका भी इंटीग्रेशन है और इसका भी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ sec^2x tan x और इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x sec x, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec^2x एंड cos^2x, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, ऑटोमेटिक आंसर आपका आ जाएगा, ओके sec^2x होता है 1/cos^2x और 1/cos^2x होता है sin^2x, फिर से बोल रहा हूँ, sec^2x 1/cos^2x होता है, 1/cos^2x sin^2x होता है, sin^2x/cos^2x ये tan^2x होता है, हाँ ये sin^2x/cos^2x tan^2x होता है, और मैं बोल रहा था एक बार आज भी पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, tan^2x जहां पर देखते हैं sec^2x-1 की जगह आपका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, और cos^2x जहां पर देखते हैं cos^2x-1 कर दीजिए, आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, देन इसका भी इंटीग्रेशन, देन इसका भी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ sec^2x tan x होता है और इंटीग्रेशन 1dx x होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये
ये इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए, ये 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ଟେନ୍ଥ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକରି ପୁଣି ଅଲଗା ଓକେ ଇଏ 2 ବାଇ କସ୍ କରେକ୍ସ ମାଇନସ 3 ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ କସ୍ କରେକ୍ସ ଇଣ୍ଟି 1 ବାଇ କସ୍ କରେକ୍ସ ଏକ୍ସ କରେକ୍ସ ଆର୍ ଇଏ ଥୋଡ଼ା କ୍ୟା କିଜେ ବଚ୍ଚେ ସମଝେ 1 ବାଇ କସ୍ କରେକ୍ସ ଏକ୍ସ କରେକ୍ସ ହୋତା ହେ 1 बाय कॉस कर तो ये थोड़ा एक काम कीजिए 1 बाय कॉस एक्स एक तो सेक एक्स कीजिए इनटू टैन एक्स डी एक्स ओके 1 बाय कॉस कर एक्स सेक कर एक्स और 1 बाय कॉस एक्स सेक एक्स इनटू टैन एक्स ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स कर एक्स टैन एक्स होता है और इंटीग्रेशन सेक एक्स इनटू टैन एक्स सेक एक्स होता है ओके ये बच्चे थोड़ा क्या कीजिए 1 बाय कॉस एक्स सेक एक्स कर दीजिए और साइन एक्स बाय कॉस एक्स टैन एक्स कर दीजिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आजकल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है ज्यादा 21 देखिए ये रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन है यानी रूट एक्स डी एक्स इसका भी इंटीग्रेशन होगा 1 बाय रूट एक्स डी एक्स इसका भी इंटीग्रेशन होगा। कहाँ किसी को समझ में नहीं आता थोड़ा बोलिए ये एक्स का पावर हाफ डी एक्स ये एक्स का पावर हाफ हो तो ऊपर चला जाएगा तो एक्स का पावर माइनस हाफ हो जाएगा एक्स का पावर हाफ डी एक्स एक्स का पावर हाफ है ऊपर चला जाएगा एक्स का पावर माइनस हाफ डी एक्स होगा यानी इसका इंटीग्रेशन जो है हाफ प्लस 1 बाय नीचे थी हाफ प्लस 1 ये माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी यानी ये एक्स का पावर क्या होता है 3 बाय 2 ये भी 3 बाय 2 होता है 2 बाय 3 ओके ये एक्स का पावर हाफ होता है ये भी हाफ होता है वो ऊपर चला जाएगा ओके प्लस सी ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन में है 2 बाय 3 एक्स का पावर 3 बाय 2 प्लस 2 एक्स का पावर हाफ और रूट 2 बाय 3 इंटू एक्स का पावर हाफ ये शायद सी ऑप्शन है आपका बच्चों सी है तो ना कौन सा है यस सर सी यस सर सी ओके नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ये देखिए इसका इंटीग्रेशन देखिए ये एफएक्स दिया है ये पहला एफएक्स क्या है निकालिए एफएक्स इक्वल डिवाइड डीएक्स उधर इनटू डीएक्स हो जाएगा 4x³ माइनस 3 बाय x⁴ डिवाइड dx उधर इंटू dx हो जाएगा और ये dA जो है उसके इधर एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा दैट इज इंटीग्रेशन हो जाएगा ओके और ये आपका एक्चुअली fx है fx को पहला सिंपलीफाई कीजिए दिस इज योर fx fx को सिंपलीफाई करके f ऑफ 2 निकाल के देखिए ये जो है जो दिया c निकालने के लिए दिया है ये जो दिया है कंडीशन सी निकाल एफ ऑफ टू पर जो जीरो दिया है सी का वैल्यू निकालने के लिए दिया है ये 4 बार आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू आएगा एक्स स्क्वायर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 4 बार आएगा माइनस 3 बार रहेगा एक्स पर माइनस 4 हो जाएगा एक्स का पर माइनस 4 का इंटीग्रेशन होगा माइनस 4 प्लस 1 बाय माइनस 4 प्लस 1 एक्स का माइनस 4 ऊपर जाने से होगा माइनस इंटीग्रेशन एक्स टू एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी ये जो दिया है एफ ऑफ टू सी का निकालने के लिए दिया है कंडीशन
ये आपका फोर, ये फोर कट जाता है, एक्स का पावर फोर रहा माइनस, यहाँ पर भी माइनस थ्री कट जाएगा प्लस वन आ जाएगा, माइनस थ्री कट जाएगा प्लस वन आ जाएगा। ओके ये एक्स का और माइनस थ्री नीचे लाइए, ये आपका जो आया एफ ऑफ एक्स आया। अच्छा यहाँ पर सी निकालने कंडीशन दिया एफ ऑफ टू इक्वल टू जीरो, अब बनाइए एफ ऑफ टू इक्वल टू जीरो बनाइए, टू का और फोर प्लस वन बाय टू का क्यूब प्लस सी इक्वल टू जीरो, सी का निकालने के लिए कंडीशन दिया टू का पावर फोर सिक्सटीन होता है, वन बाय एट होता है प्लस सी इक्वल टू जीरो। अच्छा इसका एलसीएम ले लीजिए एट, सिक्सटीन एट जा बोलिए हमें सी निकालना बच्चों, देन आपका ये आता है कि सी इक्वल टू एट इंटू जीरो जीरो हो गया आपका प्लस माइनस 128 आ गया। देन फाइनली आपका जो एफ एक्स है सी का बदला डाल दीजिए सर, सी बाय एट कैसे होगा? तो 8C होगा। हाँ हाँ हाँ। जब एलसीएम ये होगा 8C होगा। ओके। सर प्लस वन भी होगा ना? प्लस वन भी होगा। सर कहाँ पर बोलो? प्लस वन होगा। सर 128 प्लस वन प्लस 8C। हाँ। 128 प्लस वन। ओके ये मल्टीप्लाई हुआ प्लस वन प्लस 8C। ओके। चलिए सी का थोड़ा अलग सा वैल्यू तो फिर आ जाएगा, सी इक्वल टू क्या होगा, एट सी इक्वल टू क्या होगा माइनस 129, देन सी इक्वल टू क्या होगा माइनस 129 बाय 8। तो यहाँ पर डाल दीजिए आपका जो फाइनल आंसर, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमें निकालना था ये, तो आपका एफ ऑफ एक्स जो है क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स क्यूब, अगेन व्हाट इज योर सी, माइनस 129 बाय 8, माइनस 129 बाय 8। ओके ये दिस इज द फंक्शन। ओके अभी अगर तुम इस फंक्शन को डेरिवेटिव करोगे ना, ये इसके साथ इक्वल आ जाएगा, ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन वो है, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे ये आ जाएगा। ओके ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो देखो फिलहाल हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अच्छा ठीक है, ये पहला एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन रहा, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो बोलेंगे इसको। ओके ये अलग सा तरीके से होगा, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो इसके इंटीग्रेशन में, वो डेरिवेटिव करके करना है, फाइनल एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ओके इसको अलग सा मेथड में बोलेंगे इसको। ओके तो ये सिक्स से लेके तुम्हारा कोई डाउट है, सिक्स से लेके कोई डाउट है? अच्छा सेकेंड एक्सरसाइज में कोई डाउट है?